नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और उससे संबंधित जो शाखाएं हैं उनके विषय में बताना चाहूँगा। और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए नोट्स तैयार भी किए हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। अब मेरा ये लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सम्मिश्रण मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो दोनों का ही फायदा हो इसके नाते मैं दोनों ही भाषाओं का उपयोग करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे पहला जो ब्रांच था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं। पल्स क्रॉप जिसमें आपके जितनी दालें हैं वो सब आती हैं। इसके अतिरिक्त शुगर केन, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से, इसकी 10-12 शाखाएं हैं जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं में से एक शाखा हॉर्टिकल्चर है जिसको उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब उद्यान विज्ञान क्या है? उद्यान विज्ञान एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उद्यानी फसलों का क्लासिफिकेशन, उनकी कर्षण क्रियाएँ और उनका उपयोग के विषय में अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। अब हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत आपकी सब्जियां आती हैं, इसके अंतर्गत फल आते हैं, इसके अतिरिक्त आपके फूल वाले पौधे आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं। तो इस प्रकार से की बहुत से शाखाएँ भी हैं तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इनमें से पहली शाखा है इसकी फलोत्पादन। फलोत्पादन वह शाखा है उद्यान विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम फलों के विषय में उनकी कर्षण क्रियाएँ, उनका वर्गीकरण, उनके उपयोग के विषय में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी शाखा हमारी आती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। अब वेजिटेबल क्या है? एनी प्लांट पार्ट यूज फॉर कलनरी पर्पस इज नोन एज वेजिटेबल। देर आर सो मैनी डिफिनीशंस हैव बीन गिवन बाई डिफरेंट साइंटिस्ट। मेनली वेजिटेबल इज ए सकुलेंट, टेंडर, एनुअल, पेरिनियल एंड बाइनियल प्लांट्स विच आर मोस्टली यूज आफ्टर कुकिंग एंड सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर यूज एज ए रॉ। तो आज मैं आपको पोमोलॉजी और दूसरा ओलेरिकल्चर के विषय में ही बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। हॉर्टिकल्चर की 5-6 शाखाएं हैं जिसमें से पहली आपकी है पोमोलॉजी, दूसरी है ओलेरिकल्चर, तीसरी है फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल, चौथी है आपकी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, और उसके बाद है प्लांटेशन क्रॉप्स। तो पहली जो शाखा है आपकी पोमोलॉजी, उसमें वो क्या है? पोमोलॉजी ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों के विषय में अध्ययन करते हैं, फलों की वर्गीकरण, फलों के विषय में कर्षण क्रियाएं, उनकी उपयोग इत्यादि के विषय में अध्ययन किया जाता है। हिंदी में इसको अगर देखें तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों की कर्षण क्रियाएं, वर्गीकरण, सस्य क्रियाएं एवं उपयोग के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं।
इंग्लिश में अगर देखना चाहें इसको तो पोमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स क्लासिफिकेशन कल्टिवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स। अब इन दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमको खाद्यान्न की ज़रूरत थी तो हमने एग्रीकल्चर खोजा और उसमें सीरियल्स खोजा, सीरियल्स के द्वारा हमने अपने को आत्मनिर्भर बनाया, खाद्यान्न की हमारे पास कमी नहीं थी। आज के समय में हमारे पास खाद्यान्न बहुत हैं और हम उस खाद्यान्न को विदेशों को भी भेजते हैं। दूसरी जो हमारी आवश्यकता थी, इन सीरियल की क्रॉप से केवल हमको कार्बोहाइड्रेट और कुछ सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व मिल जाते हैं, विटामिन बहुत कम मिलती हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका विटामिन, तीसरा है फैट, चौथा है मिनरल और पांचवा है आपकी प्रोटीन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको सीरियल क्रॉप से पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, इसलिए आवश्यकता हुई हमको कि हम इसकी पूर्ति के लिए या तो फलों का प्रयोग करें या सब्जियों का प्रयोग करें। तो जो हमारे जनता गरीब तबके की है वो फल नहीं खा पाती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए सब्जियां पोषक तत्वों का एक सरल सा उपाय है कि उनको खरीद करके या उनको अपने किचन गार्डन में उगा करके वो अच्छी से अच्छी सब्जियां उगा सकता है और अपने शरीर के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक हैं उसकी पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार से फलों के लिए दूसरी बात आई कि जब थोड़ा सा अगर आपके पास सब्जी का है तो जो थोड़े धनाढ्य लोग हैं उनके पास पैसा है वो फल भी खा सकते हैं और फलों के माध्यम से उनको मिनरल्स विटामिन्स प्रोटीन ये सब आसानी से सुलभ हो जाती हैं। तो इसी संदर्भ को लेते हुए पोमोलॉजी को फलों की आवश्यकता हुई। इस समय औसतन प्रति व्यक्ति 100 ग्राम सब फलों के रूप में अगर खाता है तो उसकी पूरे दिन की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। भारतवर्ष में फल उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें मेन ये है कि आखिर फल कौन लगा सकता है। तो जो हमारे किसान छोटे हैं वो बहुत कम पौधे लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी होल्डिंग नहीं है, लेकिन जो बड़े किसान हैं वो फलों के बाग लगा सकते हैं। तो हमारा है मेन पर्पस, मेन उद्देश्य है कि हम उत्पादन अपना बढ़ाएं और उत्पादन तभी बढ़ा सकते हैं जब हम बागों की संख्या बढ़ाएं। तो बागों की संख्या बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उस साथ साथ उसमें गुणवत्ता लाने के लिए और उनका उपयोग कच्चा खाएं, पका हुआ खाएं और या उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके हम उसको खा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को, लेकिन ये निर्भर करता है कि उसकी आवश्यकता हमें कितनी है और हमें कितना मिल रहा है। तो जो प्राप्त नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देखा जाए तो जितना हमको आवश्यकता है उतनी आवश्यकता हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, हम अभी काफ़ी पीछे हैं। तो इसमें हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, नई नई प्रजातियाँ हमको फलों की निकालनी पड़ेंगी, नई नई खोज जो तकनीकी होती है उस ज्ञान को किसानों तक पहुँचाना होगा, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी ऐसी हैं जो आ जाती हैं लेकिन किसानों को मिलती नहीं है या किसान उसके विषय में जानता नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना भी एक बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि किसान अपनी तकनीकी को अपनाते हुए उस कार्य को कर सके। उसके बाद जब हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व खाद ले सकते हैं तो हमको फिर आवश्यकता है कि जो हमारी आवश्यकता से अधिक है जिसको हम अपने प्रयोग में नहीं ला सकते हैं उसका हम निर्यात कर सकते हैं और निर्यात करके हम उसका पैसा कमा सकते हैं। दूसरा यह है कि यदि देखा होगा कभी कभी आपने कि बहुत सारा हमारा फल नष्ट हो जाता है, उपयोग में नहीं आ पाता है, उसका कारण यह है कि हमारे पास उसको रखने के संसाधन नहीं है। तो उसको बढ़ावा करने के लिए हम उनका प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो उद्यान की एक शाखा ये भी है कि अब फ्रूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन,
उनका हम परिरक्षण करें, ये सब उद्यान शाखा के अंतर्गत ही पोमोलॉजी में पढ़ाया जाता है, जिसकी अलग से एक शाखा प्लांट प्रिजर्वेशन की बनाई गई है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारा 2014-15 में 6,235,000 हेक्टेयर खेत में फलों का क्षेत्रफल था, जिससे 89,514,000 मीट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ और उत्पादकता हमारी 14.35 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो 2015-16 में बढ़कर क्षेत्रफल हमारा 6,301 हेक्टेयर था और उत्पादन 90,183,000 मीट्रिक टन और उत्पादकता 14.3। उत्पादकता हमारी उतनी ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन क्षेत्रफल और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से मित्रों, हम उद्यान विज्ञान के विषय में अध्ययन करते हुए इसकी किस तरह से बाग लगाते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में बाद में मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब हमारे सामने बात आती है सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां हमको आराम से उपलब्ध हो जाती हैं और इसको सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर गरीब है तो वो छोटी कम मात्रा में उपयोग करता है, अमीर है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा। लेकिन ICR की जो मेडिकल साइंस है, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उसके अनुसार ICR में बताया गया है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, जिसमें से 120 ग्राम पत्ते वाली सब्जी, 90 ग्राम प्रोटीन वाली सब्जी और 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त सब्जी होनी चाहिए। लेकिन इतना हमको अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न सब्जियों की फसलों में नई नई प्रजातियाँ निकाली जा रही हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग नई नई कृषि की तकनीकी ढूंढ रहे हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छा प्रति इकाई यूनिट से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। तो अब ये जो सब मैंने आपको बताया कि सब्जियों के विषय में जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम कहते हैं ऑलरीकल्चर। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन आपको करनी है तो ऑलरीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद क्लासिफिकेशन, कल्टिवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। अब वेजिटेबल क्या है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर कलनरी पर्पस इज नोन एज वेजिटेबल। अर्थात पौधे का कोई भी भाग, जड़ से लेकर के बीज तक पकाकर खाने के काम में लाया जाता है, उसे सब्जी की संज्ञा दी गई है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएँ विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर दी हैं। इसके अतिरिक्त एक और इसकी परिभाषा है, वेजिटेबल्स आर दी सकुलेंट टेंडर हर्बेसियस प्लांट्स यूजली ईटेन आइदर रॉ और कुक्ड। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है, जिसके अनुसार सब्जियों को समझ सकते हैं। अब बात समस्या सामने आती है कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि सब्जी और फल में क्या अंतर है। तो मैं सामान्य रूप से आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सब्जी और फलों में क्या अंतर होता है। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी विद और विदाउट एसेसरी पार्ट। सब्जी क्या है? एनी प्लांट पार्ट यूज्ड एज कलनरी पर्पस। फ्रूट्स आर मोस्टली पेरिनियल नेचर बट एक्सेप्शंस आर देयर। स्ट्रॉबेरी एक वर्षीय और या द्विवर्षीय होती है, ये इसका एक अपवाद है। दूसरा अंतर वेजिटेबल में, दे आर मोस्टली एनुअल, पेरिनियल एंड बाइनियल। इसमें आपके एनुअल सब्जियां अलग होती हैं, बाइनियल अलग होती हैं और पेरिनियल अलग होती हैं, जिसके बाद में हम बाद में आपको बताएंगे। तीसरा डिफरेंस है, फ्रूट्स आर मोस्टली वुडी प्लांट
बट देयर आर आल्सो सम एक्सेप्शन, जैसे बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, ये ऊडी नहीं, ये सेमी ऊडी कह सकते हैं आप, या सकुलेंट कह सकते हैं। उसी तरह से सब्जियों के केस में मोस्टली वेजिटेबल्स आर हर्बेसियस एंड सेमी ऊडी। फ्रूट्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। ये एक डिफरेंस है जिससे आप फ्रूट और सब्जी को पहचान सकते हैं आसानी से। एंड वेजिटेबल्स आर मोस्टली एल्कलाइन नेचर। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन फिर आता है कि अधिकांश सब्जियाँ एल्कलाइन स्वभाव की होती हैं, क्षारीय स्वभाव, लेकिन टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि अम्लीय होती है। चौथी बात आती है, चौथा डिफरेंस, कि फ्रूट्स आर मोस्टली कंज्यूम आफ्टर राइपनिंग, जब वो पक जाते हैं तब उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक फिर अपवाद है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट कच्ची और पकी दोनों रूप में खाई जाती है। कच्ची को सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं और पके हुए को फल के रूप में यूज़ करते हैं। इसी तरह से सब्जियों के केस में दे आर मोस्टली कंज्यूम आफ्टर कुकिंग, पकाने के बाद ही इनको खाया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद हैं, आपका खीरा, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लॉन्ग मेलन, इनको कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी खाया जाता है। लेकिन वाटरमेलन और मस्क मेलन ये सब्जी के उसमें क्लासिफाइड हैं वर्गीकरण में, लेकिन इनको डेजर्ट फूड कहा गया है क्योंकि ये ऐसे समय पर होते हैं जिस समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय इनको उपयोग में लाते हैं। और जो गर्मी के समय में उस समय पानी की बहुत आवश्यकता होती है मनुष्य को, तो उस समय यदि आप तरबूज या खरबूज या ककड़ी खाते हैं तो आपको प्यास नहीं लगेगी, लू से आपका बचाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया। अब मैं बताऊंगा चाहूँगा आपको कि विभिन्न सब्जियों में उनके पार्ट यूज, किस कौन सा पार्ट प्रयोग में आता है, उसके विषय में कौन सा पार्ट आप खाते हैं। जैसे आप पहला सबसे पौधे का पार्ट आता है रूट। रूट मतलब जड़। तो ऐसी सब्जियां जिनकी जड़ खाई जाती हैं, ये आप सभी जानते हैं, जिसमें कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये सब आती हैं। उसके बाद आती है शूट या तना, इसमें आपका बैम्बू, जो आपका टेंडर बैम्बू होता है उसको काट लिया जाता है और काटने के बाद इसका अचार बना के खाया जाता है। और एक होता है सब्जी एस्पेरेगस या सतावर। सतावर का जो खाने वाला पार्ट होता है उसको स्पीयर कहते हैं, और स्पीयर के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसका सूप बनाया जाता है। और 5-स्टार होटल में एक कप सूप आपको 50 रुपये से 60 रुपये तक का मिलता है। तीसरा आता है स्टेम पौधे का, जिसमें तने का वाला सूजा हुआ भाग खाया जाता है। इसमें एक सब्जी है आपकी गांठ गोभी। गांठ गोभी का जो आप खाने वाला भाग है वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, और स्टेम का ही स्वेलिंग सूजा हुआ भाग है, उसे खाया जाता है। इसके बाद है मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित तना, जिसमें होते हैं, इसमें 4 प्रकार का होता है, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर। राइजोम में आपके जिंजर और टर्मेरिक आती है। कॉर्म में एलोकेशिया, अरवी और बंडा कोलोकेशिया। उसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर में आपको पोटैटो को वर्गीकरण किया गया है। और चौथा है बल्ब क्रॉप या शलकंद क्रॉप, जिसमें आपकी अनियन, गार्लिक, सैलेट, ये सब आते हैं। उसके बाद आती है लीफ। तो लीफी वेजिटेबल में आप जानते हैं आपको बीट लीफ, पालक जिसे कहते हैं, बीटा बुलगरेस वैरायटी बंगालेंसिस, पोए, बेसिलाइलवा। इसके बाद आती है एक्जिलरी बर्ड, ऐसी सब्जियां जिनकी एक्जिलरी बर्ड खाई जाती है, उसमें आता है ब्रूसल्स स्प्राउट। इसके बाद इमेच्योर फ्लावर बर्ड, ब्रोकली, जिसकी के आपने देखा होगा ये कोल क्रॉप के अंतर्गत सब्जी है, जिसको इमेच्योर कलियों की खाई जाती है, फूलों की।
गोभी, इसमें प्री फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम खाने वाला भाग कहलाता है, जिसको हम कर्ड कहते हैं। कर्ड इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि यदि आप दही को एक चम्मच में लेने के बाद नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं तो उसका जो आकार बनता है उसी तरह का गोभी का फूल भी देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम कर्ड रखा गया है। लेकिन बॉटनी के हिसाब से ये प्री फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है, और हॉर्टिकल्चर की भाषा में इसको खाने वाले भाग को हम कर्ड कहते हैं। उसके बाद आती है ऐसी सब्जियां जिनके फ्लावर खाए जाते हैं, इसमें आपका ऐश गौर पेठा, इसकी सब्जी बनती है और इसकी पकौड़ी बनाई जाती है। पम्पकिन, पम्पकिन के फूल कद्दू, इसके फूल खाए जाते हैं और सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद आती है फ्रूट, फ्रूट में आपके बहुत सारी सब्जियां हैं, जितने भी आपके कुकरबिटेसी फैमिली है, सोलानेसी फैमिली है, इसके सारे फल खाने के काम आते हैं। इसके अलावा सेम, मटर, फ्रेंच बीन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ऐसी सब्जियां जिनका बीज खाया जाता है, इसमें आपकी फ्रेंच बीन है, सेम है, काउपी, लोबिया, सोयाबीन, ये सब खाए जाते हैं। उसके बाद बड, बड में एक रोजिल, आपने देखा होगा जो हमारी भिंडी की फसल है, इसकी पौध या फलियां खाई जाती हैं, फल खाए जाते हैं इसके, और इसी फैमिली का एक पौधा है रोजिल, या जिसमें हिंदी में पटुआ कहते हैं, और इसकी छोटे छोटे कलिकाएं आती हैं और उन कलिकाओं की ही सब्जी खाई जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों, आपको मैंने ओलेरिकल्चर के विषय में संक्षेप में थोड़ा सा बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल बताना चाहूँगा। 2014-15 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के हिसाब से इसका एरिया 9,417,000 हेक्टेयर था, जो 2015-16 में बढ़कर 10,106,000 हेक्टेयर हो गया, और प्रोडक्टिविटी 17.67 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014-15 में सब्जी का उत्पादन 166,756,000 हेक्टेयर था, जिससे 169,064,000 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ, और जिसकी उत्पादकता 16.7 टन प्रति हेक्टेयर। अभी रिसेंट जो डेटा इसका आया है 2016-17 का, उसके अनुसार सब्जी का भारतवर्ष में कुल क्षेत्र पर 10,295,000 हेक्टेयर है, और इससे उत्पादन 176,177,000 मीट्रिक टन, और उत्पादकता 17.11 मीट्रिक टन पाई गई है। तो इस प्रकार से सब्जियों का उत्पादन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के पास या जिनके पास थोड़ी सी भी भूमि है, वो सब्जियों की खेती अपने किचन गार्डन में अवश्य करें। आजकल बाज़ार में जो कॉमर्शियल उत्पादन हो रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक लोग कीटनाशी दवाओं का, कवकनाशी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, और आवश्यकता से ज़्यादा कर रहे हैं, और वो सब दवाइयाँ पौधों के अंदर जाती हैं, पौधा उसका अवशोषण करता है, उसके बाद वो फलों में और फूल उसमें आ जाती हैं, और उसके बाद फिर बाज़ारों में भेज दी जाती हैं, जो कि खाने वाले के लिए बहुत नुकसान करती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती करें, अपने किचन गार्डन में खेती करेंगे तो उसमें आप रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होंगी। तो इस प्रकार से भाइयों, आज के लिए मैं यहीं पर आपको बंद करना चाहूँगा अपने लेक्चर को, क्योंकि कल मैं आपको फिर से दूसरी शाखा के बारे में बताऊँगा, जिसमें पुष्प उत्पादन और मेडिसिनल प्लांट इत्यादि उगाए जाते हैं। तो आप कल जो है इसके बारे में फिर से देखने की कृपा करें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं, और भविष्य के लेक्चर
या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब या शेयर करें। धन्यवाद।